ओके क्लास, थोड़ा सा मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स के जो आपने टाइटल मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किए हैं, मोस्ट प्रोबेबली आज आज मैं आज नाइट तक जो है मैं उनको अप्रूव किया, जो भी उससे रिलेटेड जो भी मेरे कंसर्न्स होंगे वो मैं वहीं ग्रुप पे मेंशन कर दूंगी। ठीक है, सो प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन मुझे ये करनी है कि मैंने आपको ऑलरेडी कुछ टास्क दिए हुए थे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो मैंने कहा था कि जैसे ही आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा वो आप कंप्लीट करेंगे। वो टास्क आपका क्या था कि आपने पहले प्रोजेक्ट विजन स्कोप डॉक्यूमेंट देनी है, वो लास्ट लेक्चर में मैंने उसकी सारी वो डिटेल्स बताई थी, और आपने एक पैराग्राफ के अंदर प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देना है कि प्रोजेक्ट आप क्यों बना रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस सिस्टम के डिटेल और एक पूरा कंप्लीट चैप्टर आपने सबमिट करवाना है, और उसके साथ एमएस प्रोजेक्ट प्लान का टूल यूज करते हुए आप चाहें तो आप एक्सेल पे भी प्रोजेक्ट प्लान बना सकते हैं। एमएस प्रोजेक्ट पे यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, उसमें आपके पास टास्क व्यू भी आएगा और साथ साथ कैलेंडर व्यू भी आ रहा होगा, गैंट चार्ट व्यू। सो एमएस प्रोजेक्ट को अपने पास डाउनलोड कर लें और उस पे जो है वो काम स्टार्ट कर दें। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप जैसे जैसे उस पर काम करेंगे बल्कि आपको इंटरेस्टिंग ही लगेगा वो। ठीक है, तो उस पे काम स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश ये करती हूँ कि अगर मुझे उसका कोई ट्यूटोरियल मिल जाता है तो मैं वो ट्यूटोरियल आपको सेंड कर देती हूँ, तो उसको हम असाइनमेंट वन कंसीडर कर लेंगे। होगा ये कि आपका प्रोजेक्ट का एक माइलस्टोन भी अचीव हो जाएगा और आपका आपकी असाइनमेंट भी कवर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से असाइनमेंट देना है कि बता दें व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस, वो तो आप नेट से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो उसमें आपकी ऐसे इतनी लर्निंग नहीं होगी। मैं ये चाह रही हूँ कि एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो माइलस्टोन्स हैं, जो यूजली जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जो टास्क हो रहे होते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज में, हम वही चीजें उसी पे फोकस करें, क्योंकि थ्योरी तो हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं कोर्स में, तो उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर हम वो चीजें असाइनमेंट्स में और इस तरीके से कंप्लीट करें, सो दैट आपके प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स भी कंप्लीट होते चले चले जाएं और साथ साथ आपका जो है वो असाइनमेंट भी कंप्लीट होता चला जाए। सो असाइनमेंट वन में आपको दे जो आपको वही असाइनमेंट है उसमें एक चीज मैंने एक और ऐड कर दी है, एमएस प्रोजेक्ट प्लान। अब वो प्रोजेक्ट प्लान आप पर है कि आप एमएस प्रोजेक्ट के थ्रू बना रहे हैं या आप एक्सेल पे बना रहे हैं। जैसे हमने अभी स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग देखी थी कि स्प्रिंट में फीचर्स हैं प्रोजेक्ट के, फीचर्स के आपके ने जो है वो ड्यूरेशन दे दी, तो इस तरीके से ये चीजें आप कर सकते हैं। मैं ये प्रेफर करूंगी कि आप एमएस प्रोजेक्ट पे बनाएं, तो ये होगा कि आपको जो टूल जो यूजली सॉफ्टवेयर हाउसेज में यूज हो रहा है उस टूल की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो आज 9th डेट है, असाइनमेंट का मैं आपको 1 वीक दे देती हूँ, जो कि आप सबमिट करवाएंगे 16 जून को, 16 जून को रात 12 बजे से पहले पहले, तो एक हफ्ता है आपके पास, बल्कि एक हफ्ते से भी ज्यादा, आज का दिन भी अगर आप काउंट कर लें तो नेक्स्ट वेडनेसडे है 16 जून। असाइनमेंट दोबारा एक बार बताइएगा मैम, रिपीट कर दिएगा। असाइनमेंट में आपने ये करना है जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टास्क बताया था कि एमएस प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट देनी है आपने, जिसमें आप प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देंगे, जो लास्ट की हमने स्लाइड देखी थी प्लानिंग वाली, जिसमें वो आपके लेक्चर स्लाइड्स में आपने बोला था स्कोप और कैसे डेवलप करेंगे ये बताने से, दो पॉइंट टूल। हाँ, सेकंड पार्ट असाइनमेंट का ये है कि आपने टूल को यूज करते हुए जो एमएस प्रोजेक्ट आपने एमएस प्रोजेक्ट को यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट का प्लान देना है। जैसे हमने आज की एक केस स्टडी देखी ना, जिसमें प्रोजेक्ट के सारे फीचर्स लिस्ट डाउन है और उसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट और सब चीजें, उसी तरीके से आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी है कोई टूल यूज करते हुए। तो टूल आप अपने पास डाउनलोड कर लें, इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा एमएस प्रोजेक्ट का टूल। मैं कोशिश ये करूंगी कि अगर कोई ट्यूटोरियल है उसका अवेलेबल आसान, तो वो ट्यूटोरियल आपको सेंड कर दूं, और अगर ट्यूटोरियल ना भी हो तो वो सेल्फ लर्निंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है उसमें। कुछ चीजें हैं कि टास्क की डिपेंडेंसी क्या है, वो एक ट्यूटोरियल मेरे पास है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो ट्यूटोरियल मैं आपको सेंड कर दूंगी, पीडीएफ फॉर्म में है। उसमें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें गिवेन है कि आपने जो है 6-7 टास्क उसमें गिवेन है उस ट्यूटोरियल में, और 7 टास्क के बीच में डिपेंडेंसी उसमें बताइए कि डिपेंडेंसी क्या होगी, टास्क रिसोर्स नेम कैसे ऐड होगा, वो सब चीजें पिक्चर बाय पिक्चर वहाँ पे उन्होंने मेंशन किए कि आफ्टर दिस आपका जो है एमएस प्रोजेक्ट प्लान ये व्यू होना चाहिए। सो वो आप साथ साथ करते रहेंगे तो आपकी अपनी लर्निंग भी हो जाएगी। मिस जो आप बता रही थी कि आज हमने केस स्टडी की थी, वो दिखा देंगे भी हम? वो केस स्टडी ओपन है मेरे पास, एक मिनट। इस केस स्टडी को नहीं फॉलो करना, इस केस स्टडी में जो हमने एक प्लानिंग वाला वो देखा था वो आपने एमएस प्रोजेक्ट पे करना है। वो जो हमने एक प्रोडक्ट बैकलॉग बनाया था वो प्रोडक्ट, ये इस तरीके का कोई काम आपने करना है एमएस प्रोजेक्ट पे, जिसमें आपके प्रोजेक्ट के तमाम फीचर्स, आप चाहें तो आप ऑपरेशंस मेंशन नहीं करें क्योंकि हम स्क्रम बेस्ड डेवलपमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, हम इस तरीके से टास्क नेम मेंशन करें, टास्क डिटेल्स बता दें। शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास ये वाली स्लाइड? ठीक है,
ठीक है, तो जी ये मिस टास्क नेम राइट लिख ऑन दिया ये आपने, एक्सेल पे भी तो हो सकता है ठीक एक्सेल पे भी हो है। सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप लोग सुनते नहीं है एक दफा में बात, एक्सेल पे भी हो सकता है, एक्सेल पे ही ये बना हुआ है, लेकिन एमएस प्रोजेक्ट आपको ज्यादा फीचर्स दे रहा होता है प्लानिंग के लिए एज कम्पेयर टू एक्सेल। उसमें गैंट चार्ट व्यू भी होगा, उसमें टास्क व्यू भी हो रहे होंगे आपको। तो क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, थ्योरी तो हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, एक्सेल हम सबको आती है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप कोई नई चीज सीखे, कोई ऐसी चीज सीखे जो वाकई सॉफ्टवेयर हाउसेस में यूज हो रही है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप एमएस प्रोजेक्ट के टूल पे काम करें, ताकि आपकी टूल की लर्निंग भी हो जाए कि हाँ भाई हमने एमएस प्रोजेक्ट पे जो है पूरा प्लान बनाया था सॉफ्टवेयर का। मैम वो एमएस प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट मैनेजर यूज करते हैं उसको करने के लिए, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आ गई इसके अंदर का ऊपर। हाँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आती है, क्वालिटी एश्योरेंस भी आती है, हम टेस्ट केसेस भी तो बनाएंगे, टेस्ट केसेस तो टेस्टर बनाता है। तो फिर आप, मैं जब टेस्ट केसेस बनाऊंगी तो आप कहेंगे कि मिस टेस्ट केसेस तो टेस्टर बनाते हैं, हमें आगे जाके टेस्टिंग थोड़ी करनी मैम ये एक है। तरह की लॉग बुक मालूम पड़ रही है, ये आपका मतलब है कि लॉग बुक बनानी है ना उसपे एमएस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रपोजल में। एमएस प्रोजेक्ट में आपने प्रोजेक्ट प्लान बनाना है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट प्लान है, और उसमें साथ साथ आपके जैसे एक्सेल में होता है ना कि आप और कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, वहां पे भी आप कॉलम्स जब सिलेक्ट करेंगे तो कॉलम के साइड पे जो है वहां पे एक ड्रॉप डाउन होगा, ड्रॉप डाउन पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे बहुत सारे कॉलम्स होंगे, टाइम, कॉस्ट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, तो आपको अपने रिस्पेक्टिव जो जो कॉलम चाहिए आप उनको सिलेक्ट करते जाएंगे, तो वो कॉलम्स ऑटोमेटिकली एड होते, आपके पास एड होते चले जाएंगे। ड्यूरेशन का भी होगा, रिसोर्सेज का भी होगा, स्टार्ट में आपके पास शायद एमएस प्रोजेक्ट में रिसोर्स वाला कॉलम ना हो, वो आपको ड्रॉप डाउन पे जाके जब आप ऐड करोगे तो वो व्यू हो जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को कौन से रिसोर्स। मिस एक कंफ्यूजन है, जिस तरह मैं जो प्रोजेक्ट मैंने लिया है मतलब उसके अंदर जो है काफी काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उस प्रोजेक्ट के ऊपर हाँ ठीक तो है। तो अब फिर ये जाहिर है अब ऐसी जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये जो प्लान मैं बनाऊंगा तो इसमें डेट्स का मैं क्या करूँ, क्योंकि काफी टास्क तो कम्प्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी, आप तो स्टार्ट वो में जो उसकी स्टार्ट डेट आपने जब स्टार्ट किया वो दे दें, और एंड डेट मिस जो एंड डेट, नहीं याद ना मतलब कि तो अब बेटा तो टाइम रैंडम हो दे गया एक दो, महीने दो रैंडम महीने रैंडम दे दो, रैंडम मतलब आप ये सपोज करो कि आज क्या है जून, तो आप लेट अज्यूम कि आपने फरवरी में स्टार्ट किया है, और ठीक है उसकी एंड डेट अगर आपको लगा ठीक कि ये टास्क एक हफ्ते में मैंने किया है, तो अगर आपने उसकी डेट दी है 6 फरवरी, तो एंड डेट आप उसकी रख दो 12 फरवरी, या आप ड्यूरेशन दे दो और स्टार्ट डेट दे दो, वो एंड डेट खुद से कैलकुलेट कर लेगा। मिस एक और बात, मिस आपने बोला था रिपोर्ट या कोड, मिस आपने ये नहीं बताया। मैंने ये नहीं कहा था कि दोनों में से कोई एक, मेरी इनिशियल रिक्वायरमेंट ये थी कि दोनों चीजें होंगी, साथ साथ हम डॉक्यूमेंटेशन करते जाएंगे, और एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट जब होगी इवेल्युएशन मैं कोड भी, एक वर्किंग प्रोजेक्ट भी देखूंगी। लेकिन आप लोगों ने उस पर थोड़ा कहा कि मिस और प्रोजेक्ट भी हैं, ये भी है वो भी है, तो उसमें मैंने कहा था कि ये मैं बाद में डिसाइड थोड़े दिनों बाद करूंगी कि कोड चाहिए या नहीं, अभी मैं जिस सीक्वेंस में लेके चल रही हूँ अभी उस सीक्वेंस में चले, अगर उस फेज तक हम कोड तक पहुंच सके तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पहुंच सके तो फिर हमें इस डॉक्यूमेंटेशन पे ही फोकस करना पड़ेगा। मिस हमें पहले बताया ना, मिस मैम कोड तो हमने पहले से मैम शुरू करना है ना। बेटा, हम कोड अभी नहीं कर रहे, अभी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यही तो नहीं पढ़ रहे हैं कि कोड फर्स्ट नहीं करना, पहले प्लानिंग करनी है, फिर एनालिसिस करना है, फिर डिजाइन करना है, फिर कोड करना है। तो अगर हम इस ये सीक्वेंस में एंड डिजाइन के बाद इतना टाइम बचा के कोड कर सकते हैं तो कोड करेंगे, अगर लगा कि नहीं कर सकते तो फिर मैं उसको ओमिट करके टेस्टिंग पे ले आऊंगी आपको डायरेक्ट, कि प्रोटोटाइपिंग करते हुए आप यूजर इंटरफेस बनाए, और उस यूजर इंटरफेस को दिखा दिखाकर, क्योंकि हमारे पास कोड तो होगा नहीं बैकएंड पे, सिर्फ प्रोटोटाइपिंग यूज करते हुए आप यूजर इंटरफेस बनाए और उसके टेस्ट केसेस बना लें, और मैं उन टेस्ट अच्छा केसेस को मिस टेस्ट कर लूंगी। अभी आपने जो ये एक काम जो पहले दिया था कि हम किस तरह अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, उसके जी, बाद ये काम करें, अभी कोड ये ना काम स्टार्ट है करें हम। उसके बाद अभी ये काम करें, एग्जैक्टली मैं जिस तरीके से लेके चल रही हूँ अभी वो उस तरीके से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो कोर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है हम उसको उसी सीक्वेंस में करेंगे, हम अभी कोड पे मैं अभी नहीं जा रही। ठीक है मैम ये ठीक आपने असाइनमेंट भी दिया है, मतलब कि असाइनमेंट ग्रुप वाइज बनाना, इंडिविजुअली बनेगा ना असाइनमेंट, तो असाइनमेंट जो है ये आप ग्रुप में कर लें, ग्रुप ग्रुप बेस्ड वाइज कर लें। असाइनमेंट है। हाँ सही है, ठीक है मिस ठीक है मैम, ओके ठीक है मैं मैम। आपके इसमें प्रोजेक्ट बस का अप्रूवल आज दे दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है ओके मैम, मैम, ये ओके, प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट की डिटेल लिखनी है कि हम क्या बना रहे हैं और वो किस लिए तो बना रहे स्कोप हैं में और आएगा ना, वो तो स्कोप में आएगा, जो इनिशियल मैंने ठीक आपको पहले टास्क दिया था वो तो उसमें आप बताएंगे ना। है। और इसके अलावा ये प्रोजेक्ट प्लान का प्रोजेक्ट प्लान का एक ट्यूटोरियल मेरे पास है, वो ट्यूटोरियल मैं आपको सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह।
जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है मिस, आपने अवार्ड का भी मिस कल वो जो टास्क दिया था मिस वो भी समझ नहीं आई, वो आपने वीडियो अपलोड कर दिया ना? सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड हो गए, आज के भी ब्रेक से पहले वाले दोनों सेशन यूट्यूब पे भी अपलोड हो गए और उनका लिंक LMS पे भी शेयर हो चुका है। ठीक है मिस, या आप एक वार्ड में मैसेज भी कर दीजिएगा जो असाइनमेंट बना रहे वो समझ नहीं आ रही थी कल। आपने बोला था मैं सॉल्यूशन भेज दूंगी क्विज का बना के, साफ सुथरा था, वो भी नहीं आया अभी तक असाइनमेंट के। नहीं हाँ तो क्लासेस भी तो चल रही है ना, अभी क्लासेस चल रही हैं, फिर ये रिकॉर्डिंग अपलोड करनी होती है, अटेंडेंस देनी होती है, तो काम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर सॉल्यूशन नहीं भी आया तो आपने जो सॉल्यूशन मैंने क्लास में तो बता ही दिया था ना, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर अगर जब तक सॉल्यूशन नहीं आया उस टाइम तक, तो वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने तमाम सॉल्यूशन बना के दिखा दिया था, बस उसको फेयर करना था, तो वो आप उसको गेट करके उसकी जो है वो फ्लो ऑफ इवेंट बता सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, उसमें मैंने बार बार रिपीट किया, समझ आ जाएगा क्या करना है। मैं एक दफा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बता दूंगी कि क्या करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं अटेंडेंस दे रही हूँ, अटेंडेंस देने के बाद फिर हम जो है वो क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, जिसका नेम कॉल करूँ वो चैट पे अपनी अटेंडेंस मुझे सेंड कर दें। सैयद मोहम्मद अली नकवी, सैयद मोहम्मद अली नकवी, फवाद महमूद सिद्दीकी, फैजान कुरैशी। फैजान आपकी बहुत सारी एब्सेंसेस हैं मेरे पास। मैम फैजान की लाइट चली गई है, वो अभी अभी क्लास से कहीं। देखो लाइट चले जाना हमारी पॉलिसी में बिल्कुल नहीं है कि एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस जो स्टूडेंट नहीं है वो नहीं है। ठीक है, ये मैं सब स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ कि ये हमारी अटेंडेंस पॉलिसी जो हमें कीट ने दी है उसमें नहीं है कि आपने इस तरह के इश्यूज को कंसीडर करना है। मैम वो क्लास में था, ये कह रहा हूँ मैं क्लास में था अभी। मोहम्मद हसन अहमद, शाहजेब अजहर, अब्दुल हादी, ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन की कंसेक्यूटिव लास्ट प्रीवियस दो सेशंस की भी एब्सेंट है और आज की भी दोनों सेशन एब्सेंट है। सैफुल्ला अब्दुल सतार, मोहम्मद साद, हाफिज एहसन फारूकी, फसी अमजद, मोहम्मद फहद, सबीन जफर। हेलो मैम आवाज आ रही है? तलहा खान। हेलो जी आ रही है आवाज मैम? फसी अमजद प्रेजेंट है। बेटा अटेंडेंस चैट पे क्यों नहीं सेंड करते मैम? वो पता नहीं कीबोर्ड मेरा काम नहीं कर रहा, एकदम से बंद हो गया। पलवशा रमजान, हारिस रहमान, मुबशर अहमद खान, हसनैन साबिर, मलीहा खान, सैयद जाकिर अब्बास, नीहा आसिफ, अतिया शहबाज, मोहम्मद हमजा, आगा लारोश खान, उबैद खान, गुलाम मुर्तजा, SM गाजी, सैयद मोहम्मद रजा, अब्दुल राफे फर्स्ट सेशन में भी एब्सेंट थे और सेकंड सेशन में भी एब्सेंट है। खान कैसर, ओके। मेरे पास जो स्टूडेंट एब्सेंट आ रहे हैं आज की क्लास में, सैयद मोहम्मद अली नकवी सेकंड सेशन में, ताहिर हुसैन दोनों सेशन में एब्सेंट है, मोहम्मद फहद फर्स्ट सेशन में एब्सेंट है, नीहा आसिफ सेकंड सेशन में एब्सेंट है, बिलाल लतीफ दोनों सेशन में नहीं है, अब्दुल राफे दोनों सेशन में नहीं है। ये स्टूडेंट मेरे पास एब्सेंट आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों सेशन में। प्रेजेंट हूं मिस।
आईडी बताओ, स्टूडेंट आईडी और नेम। 9463 ऐसा। सॉरी रिपीट करो आईडी। 9463 जी एसन, आप तो दोनों सेशन में प्रेजेंट है ना, आपको तो मेरा नाम ही वो पिछले में फिर रह गया था ना मैं। थैंक यू। ठीक है क्लास इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में शायद जब मैं आपको एलओसी और एफपी पढ़ा दूं उसके बाद क्विज भी हो, नेक्स्ट वीक तो होगा ये कंफर्म है। अब नेक्स्ट क्लास जो मंडे को है उसमें हो या मोस्ट प्रोबेबली शायद वेडनेसडे को। ठीक है इसको आंसर दें। मेरा एक सवाल है जी मिस, मेरी एलएमएस पे 4 एब्सेंट लगी हुई हैं, आप मुझे बता दें कि वो 4 किस सीरीज है। लास्ट क्लास में मैंने आपको मैसेज किया था, स्टूडेंट आईडी बताओ। मैं इसके अलावा बता दें मैं किस 9767 तीन एब्सेंट है मेरे पास लास्ट की दोनों क्लासेस और उससे पहले वाली क्लास का लास्ट सेशन। मुझे लग रहा है ये कोई मैम वो लास्ट हुई है शायद नमी से, मैंने एक एक सेशन की जो एब्सेंट भेजी है उन्होंने दोनों की लगा दी शायद। मैम वो लास्ट में तो मैंने इशू आ रहा है जिनकी, जरा मुझे बताएं किन किन स्टूडेंट ने डिस्कस किया है कि हारिस का आ रहा है, एक अटेंडेंस इनकी एक्सेस में आ रही है, और किसकी आ रही है, और कौन से बच्चों ने अभी बताया था फर्स्ट सेशन में भी। एक तो उबैद आपने बताया था कि शायद आपकी 4 अटेंड, दो हो रही हैं शो। नो मैम दो नहीं हो रही, हमारी एक हो रही है लेकिन हमारी क्लास में थे, आप एलएमएस के लोग में से उठा के देख सकती हैं, हम ज्वाइन जो कर रहे हैं। मेरे पास आपकी एक ही एब्सेंट आ रही है, एलएमएस पे भी एक ही आ रही है मैम, लेकिन वो एक भी क्यों आ रही है समझ नहीं आ रहा, जब हम हर क्लास ले रहे हैं वो आपको अटेंडेंस भी दे रहे हैं। एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस आपने शायद मिस किया होगा। नो मैम ऐसा हो ही नहीं सकता, क्लास में पूरा प्रेजेंट है, अटेंडेंस के टाइम पे कैसे हम। किसी कोई और स्टूडेंट भी कह रहा था कि जिनकी 2 मेंशन हो रही है एब्सेंट, जबकि अभी मैंने बताया कि एक है। एसन आपकी 1 मेंशन हो रही है, 2 मेंशन हो रही है। एसन फारूकी, हाफिज एसन फारूकी, चलिए ये 2 स्टूडेंट्स का केस मैं डिस्कस कर लेती हूँ नवीर रमीश से। ठीक है यही तक मेरी जो 3 लगी हुई है मैम। बेटा जो लग गई वो तो मैंने 3 की आपके हारिस आपकी तो 3 ही आ रही है मेरे पास, तो आपकी 3 ही जाएंगी। मैम लास्ट क्लास मैंने मिस की थी, मैंने आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन इसके अलावा मैंने कोई मिस नहीं किया सेशन आपका। देखो जो आप मैसेज करते हो ना कि मिस हमें ये अर्जेंसी थी, हमें हॉस्पिटल जाना है, हमें यहाँ जाना है, हमें कहीं जाना है, इसीलिए कीट आपको 7 एब्सेंसेस की जो है वो लिमिटेशन दे रहा है कि अगर इस तरीके का कोई इशू हो गया है तो वो आपकी 7 में से 2 अगर आप नहीं अटेंड कर सके तो वो 2 मार्क हो जाएंगी। हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट मैसेज करके कहे कि मिस मुझे टेस्ट देने जाना है या मुझे यूनिवर्सिटी जाना है या मेरा कोई पर्सनल काम है तो आप हमारी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। स्ट्रिक्टली हमें है कि हमें अटेंडेंस मार्क नहीं करनी, इसीलिए 7 अटेंडेंस का उन्होंने दिया है। तो ये जो बच्चे मैसेज करके कह रहे होते हैं, और ये लाइट जाने का भी कोई पॉलिसी नहीं है, एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस अगर स्टूडेंट ने अटेंडेंस नहीं की, और वहाँ पे जब ऑफलाइन कैंपस भी क्लास होती थी ब्रेक के बाद हम वापस आते थे अटेंडेंस ले रहे होते थे, जो स्टूडेंट नहीं आता था हालांकि वो यूनिवर्सिटी में है, लेट हो गया, अगर वो लेट हो गया तो टीचर के पास ये है कि वो उसको एब्सेंट मार्क कर सकता है, तो ये चीज यहाँ भी फॉलो होगी। अब बच्चे करते क्या है, 5 मिनट मीटिंग लेते हैं, अटेंड करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, और फिर एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस ग्रुप पे शायद एक होगा आपका ग्रुप मैसेज आ जाता है, फिर सब रिज्वाइन करने लग जाते हैं और उनकी अटेंडेंस मार्क कर दो, और जिनकी रह जाती है वो फिर मैसेज करके कह रहे हैं मिस हमारी लाइट चली गई, मिस हमारा ये मसला हो गया। आप कुछ सच भी कह रहे होते हैं और कुछ झूठ भी कह रहे होते हैं उसमें, तो फिर इसलिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, 7 एब्सेंसेस अलाउ है। अब वो ड्यू टू एनी रीजन किसी भी वजह से आप एब्सेंट हैं, वो 7 में से आपकी कंसीडर होती चली जाएगी, 7 के बाद हुई तो आपका कोर्स ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है इसको यहीं तक रखते हैं फिर, इतने ऐसा कैसे हो सकता है कि अब्दुल राफी की 1 बजे से लाइट ना हो, वो तो ना फर्स्ट सेशन में थे ना वो अभी हैं, तो उनकी 3 घंटे से लाइट नहीं है। ठीक है एंड करते हैं क्लास को, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। असाइनमेंट की डिटेल्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी और प्रोजेक्ट अप्रूवल भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।